हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने नवशास्त्रीवाद और स्वच्छंदतावाद, जिसे हम रोमांसवाद कहते हैं, इसकी थ्योरी कम्प्लीटली पढ़ ली थी। और आज हमें पढ़ना है, थ्योरी हमने कल कंप्लीट पढ़ ली थी, आज हमें इसके प्रैक्टिस सेट, मतलब जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम आज कम्प्लीटली देख लेंगे। ठीक है, जिसने थ्योरी वाली क्लास ना देखी हो तो कल की क्लास देख ले। ठीक है, और सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को जोड़ लिया करिए। ठीक है, चलिए चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमने थ्योरी कल कम्प्लीटली देख ली थी, आज हमें देखना है अपना क्वेश्चंस। तो ये जिसने भी ना देखी हो थ्योरी, आप देख लीजिएगा कल वाली क्लास में। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया था? बताना है आंसर, बताइए। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? विलियम हंट, टर्नर, डेविड फ्रांस हॉल्स, बताइए। सभी लोग करिए, सभी लोग। देखिए, अपनी क्लास दो टाइम होती है, एक सुबह 8 बजे और एक जो दूसरी होती है वो शाम को 7 बजे होती है। तो दोनों टाइम आप लोग प्रेजेंट रहा करिए। ठीक है, आप लोग सुबह नहीं आते हैं, शाम को बस आते हैं, सुबह सोते रहते हैं क्या सभी लोग, क्या होता है? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। हाँ, आंसर आंसर बढ़ते हैं। आंसर सही, अरे आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, डेविड। ठीक है, तो नवशास्त्रीयवाद की प्रकृति को किसने बढ़ाया था? ये डेविड ने बढ़ाया था। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस, एक सेकेंड, हाँ, सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयवाद, नवशास्त्रीयवाद, यथार्थवाद या फिर उत्तर यथार्थवाद, बताइए। सबसे पहली बात, सुकरात की मृत्यु जो पेंटिंग है ये किसकी है? डेविड की है। और किसके अंतर्गत आती है बताइए, सभी से बनना चाहिए ये क्वेश्चन, बिल्कुल सड़ा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, नव शास्त्रीयवाद। ठीक है, यही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो भाई नव शास्त्रीयवाद ही तो होगा, अब इससे ज़्यादा सरल क्या दे दें। नव शास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए, जेरिको, डोमी, डेविड, ब्रूगेल, बताइए। थ्योरी पढ़ ली है सभी ने तो सिंपल लग रहे हैं ना क्वेश्चन, देख रहे हैं बिल्कुल हलवा टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं, क्योंकि हमने थ्योरी पहले पढ़ ली है। तो नवशास्त्रीयतावाद चित्रकार का नाम क्या है? ऑप्शन सी सही होता है, ये है डेविड। ठीक है, जिसे हम डेविड भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? ओजोन, डेलाक्रा, थियोडोर जेरिकॉल्ट, हॉनर डाउमियर, कैमल कोरो, बताइए। क्या होता है इसका आंसर? पूछ रहा है स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन बी, थियोडोर जेरिकॉल्ट ने। किसने किया था? थियोडोर जेरिकॉल्ट ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थियोडोर जेरिकॉल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, किसमें आते हैं? राइट आंसर क्या होता है? सभी करिए। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी सही होता है, रोमांचवाद के अंतर्गत आता है। कौन? जेरिकॉल्ट। आगे,
नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था वह कौन सा काल था? अमेरिकन क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, फ्रेंच या फिर विश्व युद्ध में? क्या होता है राइट आंसर? करिए सभी। आंसर सी सही होता है, यह है फ्रांच क्रांति में। ठीक है, सब कुछ हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध होता है? पिकासो, बर्निनी, वर्मियर, देलाक्रा। क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर की बात करते हैं, सातवें का डी होता है, देलाक्रा। ठीक है, आगे स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? देलाक्रे, एंजर्स, जेरिकॉल्ट, माने। बताइए लाशें कौन रखता था? ऑप्शन सी सही होता है, यह है जेरिकॉल्ट। आगे समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा किसके कलाकार कौन है? इसके जेरिकॉल्ट, एल ग्रेको, अंग्र, गोया। बताइए मेदुसा का बेड़ा के कलाकार कौन है? ऑप्शन ए सही होता है, ये है जेरिकॉल्ट। आगे प्रसिद्ध एचिंग द ज्वाइंट का निर्माण किसने किया था? ड्यूरर, फ्रांसिस्को गोया, फ्रांस हॉल्स, हेनरी रूसो। द ज्वाइंट का निर्माण किसने किया था? फ्रांसिस्को गोया ने। किसने? फ्रांसिस्को गोया ने। डिजास्टर ऑफ वार किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? फ्रांसिस्को गोया, रेम्ब्रा, ड्यूरर, एरिक्सन। बताइए क्या होता है राइट आंसर? डिजास्टर ऑफ वार। आंसर सही होता है, फ्रांसिस्को गोया की है। आगे बढ़ते हैं, फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? आंदोलन का नाम पूछा है, रोमांटिक, पुनर्जागरण, नवप्रभाववादी, दादावादी। आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, रोमांटिकवादी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, फ्रांसिस्को डी गोया, ओनोरे, दाउमियर, रेम्ब्रा। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर। बताइए आवाज आ रही है सही? नहीं आ रही है। चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, आंसर बी सही होता है, ये है फ्रांसिस्को डी गोया। ठीक है, आगे नवशास्त्रीयवाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस। सही होता है ऑप्शन बी, फ्रांस में। कहाँ पर? ऑप्शन बी, फ्रांस। जैक डेविड का शिष्य कौन था? अंग्र, आंतवान गो, रैफेल, कूर्बे। डेविड का शिष्य कौन था? तो ये था अंग्र। कौन था ये? अंग्र था, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे विद्यार्थी अवस्था में जॉक डेविड शिष्य थे? जॉर्ज सोरा, जेरिकॉल्ट, बूशे, ग्रिलैंडियो। किसके शिष्य थे? ऑप्शन सी,
बुशे के, किसके? बुशे। आगे, मिनर्वा की विजय नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? जेरी कॉल्ट, डेविड डेलाक्रा, बुशे। मिनर्वा की विजय राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी सही होता है, डेविड। आगे, सेबाइंस पर बलात्कार नामक चित्र किसका है? डेविड का, पाउलो उचेल्लो का, सिमाबुए रूबेंस। बताइए सभी, संख्या बढ़ाइए संख्या। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, डेविड का। अर्ली रेनेसा कलाकार मसेच्चियो की पेंटिंग है द ट्रिब्यूट मनी, द बुक मेकर, मैडोना, कोई नहीं। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, द ट्रिब्यूट मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ला कैप्रिकोश पेंटिंग किसकी है? पिकासो, ड्यूरर, लियोनार्डो, गोया। किसकी है? ला कैप्रिकोश। ये है गोया की। किसकी है ये? गोया की है। यमलोक में दांते व वर्जन के चित्रकार कौन है? देलाक्रा, अंग्र, टर्नर, डेविड। ऑप्शन ए सही होता है, डेलाक्रा। ठीक है, आगे, पागल हत्यारा चित्र के चित्रकार कौन है? जेरिको, देलाक्रा, साल्ड, दोबनी, माने। देखिए सभी रिप्लाई देते रहिए, ठीक है, आंसर देते रहिए सभी लोग। ये मत सोचिए कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं तो आप गुस्सा हो के यहाँ से चले जाएं, ये कोई बात नहीं होती है। आपको सिलेक्शन लेना है अपने लिए, मेरे लिए नहीं। क्या होता है राइट आंसर? हाँ, आंसर सही होता है ऑप्शन ए, जेरिको। तुर्की हमाम खाना के चित्रकार कौन है? अंग्र, कोरो, मिले, कुर्बे। 23। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, अंग्र। 2 मई व 3 मई चित्र के चित्रकार कौन है? गोया, कुर्बे, रूबेंस, देलाक्रा। 24। आंसर सही होता है ऑप्शन ए, गोया। 24। चलिए आगे, जादूगरनियों का व्रत दिन के चित्रकार कौन है? एलग्रेको, पिकासो, गोया, जेरी कॉल्ट। 25। हम तो करा दें बिल्कुल हवा हवाई एक्सप्रेस की तरीके, लेकिन आपकी रिप्लाई भी तो हो उस हिसाब की, जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही हम चलेंगे। नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए, जेरिको, डोमियर, डेविड, ब्रूगेल। बताइए आंसर सभी। ऑप्शन सी सही होता है, डेविड। एलग्रेको की पेंटिंग मंदिर का शुद्धिकरण किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीयवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, उत्तर यथार्थवाद। 27। सिंपल सा है ऑप्शन बी, रोमांसवाद। आगे, डेविड का वह चित्र जो नव शास्त्रीयवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है, होरेशियो का प्रण, सुकरात की मृत्यु, पागल हत्यारा, मिनर्वा की विजय। बताइए 28। डेविड की पूछी है, डेविड की।
हाँ ऑप्शन ए सही होता है हेरेशियो की प्रण, ठीक है हेरेशियो का प्रण। आगे बढ़ते हैं, कौन सा चित्रकार नवशास्त्रीवादी नहीं था? नवशास्त्रीवादी पूछ रहा है, डेविड अंग्र, बिगिलीबर्न, डेलाक्रा, बताइए। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, डेलाक्रा। अंग्र है, डेविड है, बिगिलीबर्स है, सभी हैं, लेकिन डेलाक्रा नहीं है। आगे, नवशास्त्रीयवाद का प्रमुख चित्रकार कौन है? लुई डेविड, अंग्र, लीबर्न, कैनोवा, प्रमुख बोला है, प्रमुख चित्रकार, बताइए। 30 का, 3 बार पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए सही होता है लुई डेविड। नवशास्त्रीयवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कला के नए शास्त्र की स्थापना, यूनानी रोमन कला सिद्धांतों का अनुकरण, पुनरुत्थान कला का अनुकरण, कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता, बताइए। 31 का क्या होता है करेक्ट आंसर? 31, ऑप्शन डी सही होता है, कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता, किसकी है? नवशास्त्रीयवाद का ये प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। आगे, होराथी की शपथ का नवशास्त्री चित्रकार कौन था? पीटर डी हुक, जॉन लुई डेविड, अंग्र, फ्लैक्समैन, बताइए। 32, हमने मात्र 20 मिनट में 32 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर कहीं और आप पढ़ रहे होते तो जो ये 20 मिनट में हमने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, 20 मिनट में शायद ही आपके 4 या 5 क्वेश्चन हो पाते, या फिर 6 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर। यहाँ पर केवल पढ़ाई की बात होती है, केवल पढ़ाई की, और फास्ट तरीके से होती है, केवल सिलेक्शन लेना है हमारा उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं। होराथी की शपथ का नवशास्त्रीयवाद कलाकार कौन है, बताइए। 32, ऑप्शन बी सही होता है जॉन लुई डेविड, ठीक है ऑप्शन बी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? डेविड, पिकासो, अंग्र, कोई नहीं। 33, चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, आंसर सही होता है ऑप्शन सी, अंग्र, ठीक है। आगे, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? पिसारो, सेजान, गोया, पिकासो, पिशाचिनियों की सभा, आंसर की बात करें ऑप्शन सी सही होता है, ये है गोया। आगे, प्राचीन के स्थान पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किस कलाकार ने सर्वप्रथम किया था? गोया, देलाक्रा, जेरिकॉल्ट, दोमिया, बताइए। 35, ऑप्शन सी सही होता है, ये है जेरिकॉल्ट। आगे, छाया तथा प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी, यह कथन किसका है? बहुत पूछा जाने वाला कथन है ये, कॉन्स्टेबल, मोने, पिसारो, दलाकरा, किसका है ये? 36, डेलाकरा, किसका है? ऑप्शन डी, डेलाकरा। आगे, यूजीन देलाकरा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखे थे? रस्किन, बॉदलेयर, जेम्स विकी, सुकरात। 37, ऑप्शन बी, बॉदलेयर। आगे, कला में सामाजिक विकृतियों, शासकों के अत्याचारों तथा जीवन के बनावटीपन पर किस कलाकार ने व्यंग किया था? स्पेन के फ्रांसिस्को गोया, स्पेन के पिकासो, इटली के रैफेल, फ्रांस के मोने। 38,
ऑप्शन कौन सा? स्पेन के फ्रांसिस्को गोया, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट, द गोल्डन एज जो दूसरी शताब्दी ईस्वी का लैटिन में एकमात्र प्राचीन रोमन उपन्यास है, किसने लिखा है? एपुलियस, रस्किन, प्लेटो, सुकरात, किसने लिखा है इसको द गोल्डन एज? एपुलियस ने, किसने लिखा है इसको? एपुलियस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्वेश्चन, द डेट ऑफ सरदाना पैलुस 1827 ईस्वी में बना है, जो कि भगवान बायरन के नाटक सरदाना पैलुस से प्रेरित था, किसने चित्रित किया था? इयुजीन डेलाक्रा, लुई डेविड, फ्रांसिस्को गोया, इनमें से कोई नहीं। बताइए 40 का क्या होता है? ये 40 लिखा है, तो क्या है? ऑप्शन ए सही होता है, ये है देलाकरा का। ठीक है, देलाकरा ने इसको चित्रित किया है। आगे बढ़ते हैं, 41, द मॉर्निंग 1808 ईस्वी पेंटिंग किस जर्मन रोमांसवादी कलाकार की है? अल्बर्ट ड्यूरर, फिलिप ऑटोरोन्स, युगेन, डेलाक्राइस, नादिर अफोनो याको, बताइए 41। ऑप्शन बी सही होता है, फिलिप ऑटो रून्स, किसका? ऑप्शन बी सही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन छापाकार नहीं है? रेम्ब्रा, विलियम ब्लैक, पाब्लो पिकासो, थियोडोर जेरिकॉल्ट, क्या होता है राइट आंसर? 42। बताइए सभी, स्लो नहीं, बिल्कुल फास्ट। ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी, ये है थियोडोर जेरिकॉल्ट। कौन होता है? ऑप्शन डी, थियोडोर जेरिकॉल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा जोड़ा असंगत है? बताइए, जन वर्मीन, युवा लड़की का मुखिया, गोया, नीलकमल, रिनोयर बादर, सीजन, कार्ड खिलाड़ी, क्या होता है राइट आंसर? असंगत पूछा है, असंगत मतलब अलग। ऑप्शन बी गलत है, जबकि ये सब जो हैं ये सब सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। जिया जॉक रूसो के विचारों ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? नियो क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, बताइए 44 का क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर पे बढ़ते हैं, आंसर सही होता है रोमांटिसिज्म। क्या होता है? ऑप्शन बी, रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो आज हमारे ये जो 44 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल जो है, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल का जो चैप्टर होगा वो होगा ब्रिटिश दृश्य चित्रण, बर्बीजा चित्रकार, यथार्थवाद एंड प्रोकेफेलवाद बंधुसंग। ठीक है, तो कल ये क्लास होगी, इसलिए सभी लोग रेडी रहिएगा कल के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे। क्लास कैसी लगी है, क्वेश्चन कैसे लगे हैं, और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, तो देखिए सभी लोग क्लास को जल्दी से, जिसने लाइक ना किया हो जल्दी से लाइक कर ले, प्लस जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से फटाक से कर लीजिए, और जिसको भी क्लास बहुत अच्छी लग रही हो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। बाय बाय, आराम से अच्छे से रहिए, खुश रहिए।